जय माता की। जय माता जी के बेटा। बहुत परेशान काम के चक्कर में माता जी जी, हाँ, यही निवेदन है आपसे मेरा, काम कौन सा? ये काम धंधे नहीं लगे, 6-7 साल हो गए, बहुत परेशान है। दुकान उकान कुछ है ही नहीं, काम नौकरी भी या तो मना हो जाती है, यही परेशानी आ रही माता जी। दूसरा व्यक्ति जीत जाता है, आप हार जाते हैं, जी और पैसा बिल्कुल नहीं रुक रहा है, मनोस्थिति भी ठीक नहीं है, क्रोध बहुत आ रहा है आपको, क्रोध जी जी के वशीभूत आकर के, और जी आप पास का भी खो देते हैं, पास का भी चला जाता जी है, जो कुछ बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं वो सब चला जा रहा है, सम्मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं मिल रही है आपको, जी माँ और ये सभी कुछ प्राप्ति करने के लिए जी, माँ भगवती की आराधना करना चाहिए आपको। क्या नाम है आपका बेटे? राकेश राकेश। तुला राशि? तुला जी, राशि का राशि स्वामी शुक्र। और पत्नी का नाम क्या है? इंदिरा इंद्रा। वृषभ राशि है उनकी, जी, शुक्र दोनों का राशि सोम। प्रथम संतान बालिका है आपकी, लड़की? 3 लड़कियां हैं हाँ लड़की आई, तो लड़की तो मैं बोल रही। जी। हाँ, बालक के योग बनने में विलंबता, बड़ी टेंशन क्या है, थोड़ा सा पति पत्नी के बीच के जो मतभेद है उनको क्लियर करिए आप। ग्रह अच्छा लक्ष्मी प्रसन्न है तो बाहर वाली लक्ष्मी भी प्रसन्न होने के योग बनेंगे। तो माता जी, उनसे बोलिए। उनसे तो हमारा संपर्क टूट गया, कि उनने शक वक करा था हमको, भयंकर लड़ाई मराई में बोला चाली बात है, क्या बेटा? उनने हम पे शक करा था कि आप दूसरी को रखें, तो 4-5-6 साल से हमारी बोला चाली बंद है बिल्कुल। हम हमने तो आपसे पूछा ही नहीं, और हमने तो डायरेक्ट यही बोला ना, पति पत्नी को तालमेल मिला ही, इसके बाद में आपका सब कुछ ठीक होगा। ग्रह जी लक्ष्मी और बाहर वाली लक्ष्मी यानी धन लक्ष्मी दोनों के सुख के योग नहीं बन रहे आपके जीवन में, क्योंकि दोनों जब प्रसन्न चित्त रहेंगी आपके जीवन में तो आपका जीवन तो ऐसे ही प्रसन्न चित्त हो जाएगा। और बुध आपका डाउन है, बुध का जाप करवाना चाहिए और बुध पूजन करना चाहिए, बार बार ऐसे योग बनते हैं आपके जीवन में। जी और उन्होंने जो शक किया था उसमें से काफी तो कुछ परसेंट सत्य है जी जी कि नहीं है, बताइए। जी हाँ और वो भी जहां आपका मन लग रहा था वो भी धोखेबाज है, जी रहना कहीं, देखना कहीं, खाना कहीं, सोना कहीं, सब नाटक, सब अलग अलग है उनका भी। जी हमने तो सब कुछ छोड़ दिया जो काम वो। अब क्या है, खैर जो हो गया हो गया, अपने गृहस्थ जीवन को सुधार करके, और मनोस्थिति तभी आपकी एकाग्रचित होगी जब आपका बुध डाउन है वो प्रबल होगा, जी राजयोग नहीं बन पा रहा है, कई बार मरते मरते बचते हैं आप। हाँ, होता है ऐसे, करता हूँ मन में ख्याल हाँ, और आप बच जाते हैं वो आपके माता पिता के पुण्य प्रतापों के, आपके माता पिता के शुभ कर्मों के प्रताप से ही आप बच जाते हैं, कई जी माता बार आप जी। स्वयं मरने की योजना बनाते हैं, क्या करे, इतना तकलीफ, कोई सहारा किसी का है नहीं, पैसा धैला है बनाते हैं कि कि नहीं आप बताइए। जी हाँ। मैं माता जी, मैं कहता हूँ, मेरे पास पैसा था 6-7 लाख, सब गाड़ी बिक गई, घोड़ा बिक गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ पैसे नहीं। जब नौकरी करते फिर रहा हूँ 2-3 से, वो भी नहीं मिल रही, इतना परेशानी उठा रहा हूँ, 3-3 लड़कियां हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, ना घर का, ना कहीं ना कहीं सहारा ही नहीं मिल रहा किसी का, पैसा हाँ, सब है नहीं, बर्बाद हो गया हमारा 6-7 लाख रुपए, गाड़ी बिक गई, ट्रैक्टर बिक खत्म हो गया गया। बेटा। मैं मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं कि आप मुझे बताएंगे, इसके बाद में मैं उसको दोहराऊंगी, कॉपी पेस्ट करूंगी, ये मुझे नहीं आता है। जी जी माँ और जब मुझे इतना भी ज्ञात हो रहा है तो ये भी ज्ञात है कि तुम कैसे उठोगे, कैसे आपके जी जीवन में प्रकाश होगा, तो माँ अगर आप पूछ रहे हैं तो हम उसका मार्ग बताएंगे कि आपको कैसे इस दुख के दरिया से बाहर आना है, और परमात्मा की भक्ति और गृहस्थ सुख का जीवन, बाहर वाली लक्ष्मी यानी धन लक्ष्मी का सुख का योग बने, तो उसके लिए आपको दीक्षा लेकर के ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सर्व सुख और सौभाग्य की प्रदायिनी है माँ भगवती बगलामुखी देवी। अभी तक जी आपने जो कष्ट भोगा है, जहां भी आपने मन लगाया आपको धोखा ही मिला है, तो जी माँ सही बात कष्ट धोखा मिला है जिसको आप कह भी नहीं सक रहे हैं, सह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जिसे कहेंगे वो आपकी बात को सुन करके हंस करके हंसी में टाल देंगे और मजाक बन जाएगा आपका जीवन। तो यह हाँ मनुष्य तन बड़ी मुश्किल से मिला बेटा, इसको मजाक ना बनाए, हम परमात्मा की भक्ति करते हुए और हम इसी धारा पर रहते हुए परिवार के साथ, समाज के साथ, और अपने देश की सेवा करते हुए, अपने अपने सनातन धर्म को बचाए रखते हुए और स्वयं के जीवन को प्रसन्न माता जी, चित्त क्या होकर हुआ के था, ये आपको याद खंडवा एक दरबार लगता करना है, है। ये खंडवा में दरबार लगता है, खंडवा खंडवा में हाँ। तो उनने मेरे को बुलाया था साल भर से, क्या मेरे को वीडियो भी बन गया है,
तो क्या आपको शक्ति देंगे? आप पे शक्ति प्रेत शक्ति शक्ति सब आ रही। मैं साल भर जा जाके इतना थक गया, ना उनने शक्ति दी ना कुछ दी, मेरी चांदी की डिब्बी वहीं छोड़ा है महाराज जी के पास। उनका बड़ा त्रिकालदशी दरबार लगता है उनका।